मध्य प्रदेश में होने वाली विधानसभा चुनाव के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इसी क्रम में मतदान से एक दिन पूर्व जिला कलेक्टर और एसपी की निगरानी में प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा मतदान केंद्रों के लिए मतदान किट का वितरण किया गया है। इस दौरान कलेक्टर ने सभी लोगों को किट वितरण के साथ ही सफल और शांतिपूर्ण मतदान के निर्देश दिए हैं। वहीं मतदान केंद्रों की जानकारी देते हुए कलेक्टर ने बताया कि मतदान सामग्री वितरण की व्यवस्था दो हिस्सों में की गई है। कलेक्टर अक्षय कुमार ने बताया कि मतदान में किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो, इसके लिए बीएसएफ की टुकड़ियों की तैनाती की गई है। इसके लिए पूरे जिले में तकरीबन 200 मोबाइल वैन घूम घूम कर अपनी तैनाती दर्ज कराएगी ताकि कोई भी न्यूज सेंस क्रिएट ना हो। अब तीन विधानसभा का वितरण सवेरे किया गया है क्योंकि उनको दूर जाना है, ग्वालियर ग्रामीण, डबरा और भीतरवा, और तीन विधानसभा जो शहर के हैं 15, 16, 17 से ग्वालियर पूर्व और दक्षिण, उनको अब वितरण हो रहा है क्योंकि उनको पास में जाना है। जो दूर वाली टीमें करीब करीब सारी चली गई, आप देख रहे होंगे गाड़ियाँ नहीं के बराबर है। अब दूसरे टीम को गाड़ी दी जा रही सामग्री दी जा रही, अब वो रवाना होना चाहिए। कम से कम 5 तो होते ही हैं, उसके अलावा अगर वो सेंसिटिव है तो स्वास्थ्य गार्ड और लग जाएगा, ठीक है, वो 5-6 एडिशनल बढ़े। वोटिंग के लिए पर्याप्त पुलिस व्यवस्था लगा दी गई है। करीबन 1662 में से 276 बूथ जो हैं क्रिटिकल में रखे हैं, जिसमें बीएसएफ के जवान लगेंगे। इसके अलावा भी हमारे पास ईओएम गार्डिंग के लिए भी बीएसएफ के जवान हैं हमारे साथ में, और हर जगह पे कोई ना कोई पुलिस अधिकारी तो रहेगा ही साथ में। हमने 200 करीबन मोबाइलों की व्यवस्था करीबन की है। करीबन 7,000 के आसपास का यूनिफॉर्म फोर्स इसमें लगाया गया है, और पूरी तरीके से शांतिपूर्ण, निष्पक्ष, निर्भीक तरीके से हमारा वोटर वोट डाले, इसकी व्यवस्था की गई है।